तो आमतौर पे जब आप प्रीलिम्स के नज़दीक जाते हैं, एक बड़ी तैयारी करके आप प्रीलिम्स के एग्जाम के नज़दीक जाते हैं, जैसे कि अभी 4 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्जाम है। मेरे ख्याल से अभी यूपीएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि कोविड टेस्ट किया जाएगा बच्चे का, यदि कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो एग्जाम हॉल पे बैठ सकता है, ऐसी जानकारी आ रही है। अब कितना सही है क्या है नहीं पता है, लेकिन फिर भी जब आप प्रीलिम्स के नजदीक जाते हैं, चाहे वो आपका अक्टूबर में एग्जाम हो या कभी भी जब आपका नंबर आएगा, दिक्कत क्या करते हैं, जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमें दो लेवल पे काम करना होता है, लेकिन बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा। पहला होता है आपका सैद्धांतिक पक्ष, पूरा पाठ्यक्रम जो आपका है, पूरा सिलेबस जितना भी है, पाठ्यक्रम की पहली बात सही समझ नहीं होती है, और यदि पाठ्यक्रम की सही समझ हुई भी तो जो थ्योरेटिकल सेक्शन है, जो स्टैटिक सेक्शन है, जो सेक्शन बार बार पूछा जा रहा है, जैसे इतिहास आपका स्टैटिक सेक्शन है, हिस्ट्री में तो कुछ बदल नहीं जाएगा, हाँ करंट अलग है, उसका करंट भी डेवलप हो रहा है, जैसे आर्ट एंड कल्चर करंट डेवलप हो रहा है, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस करंट डेवलप हो रहा है उसका, तो समसामयिक घटनाक्रम भी उसको अलग रखते हैं। ये आपका स्टैटिक सेक्शन है, ठीक है, या सैद्धांतिक पक्ष है आपका, जिसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, सैद्धांतिक पक्ष है आपका, और दोनों को जोड़ के ही आप अपने आप को क्वालिफाई करा पाएंगे एग्जाम पे, ये भी बता रहा हूं आपको। यदि आप दोनों को ध्यान नहीं देंगे और इसी तरीके से यदि आपको कभी भविष्य में जब देना एग्जाम, अभी इसी तरीके से अपने आप को डेवलप करिए, इसका रोल काफी है, 60% से ज्यादा इसका रोल है, 60%+ क्वेश्चन आपके स्टैटिक से ही आ रहे हैं, आप देखिए ये चीज देखिए कहीं ना कहीं पे। दूसरा आपका है इसका करंट, इससे जुड़ा हुआ वर्तमान में मौजूदा समय में क्या चल रहा है, जो ये सैद्धांतिक पक्ष है, ये सैद्धांतिक पक्ष वर्तमान में यदि प्रासंगिक हुआ तो ये इसको तो इसका समसामयिक घटनाक्रम करंट इसका जो है वर्तमान में एक किस तरीके की प्रासंगिकता रखता है, इन दोनों को जोड़ करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं, गड़बड़ क्या करते हैं, हम गड़बड़ ये करते हैं, यहां पे हम इस उपापो में रहते हैं, करंट अभी से पढ़ते चलें क्या, जैसे मान लीजिए आप भी कोई फ्रेशर हैं, आप में से बहुत सारे लोग फ्रेशर भी होंगे, कुछ अपने आप को समझ रहे होंगे कि भाई हमने तैयारी किस स्तर में कर ली है, तो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप करंट में भी फोकस बहुत करते हैं, स्टैटिक्स में भी बहुत फोकस करते हैं। मेरा मानना है कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो ऐसे में पहले अपने स्टैटिक्स, अपने फाउंडेशन, क्योंकि इसके बिना आपका कोई मतलब नहीं है, इसको करंट आप तभी समझोगे ना जब आपका फाउंडेशन अच्छा होगा। यदि आप अर्थव्यवस्था के आधारभूत समझ नहीं रखते हैं, आपको बैंकिंग सिस्टम नहीं समझ में आता है, या फिर आपको इकोनॉमी से जुड़े हुए जितने भी मॉडल हैं नहीं समझ में आते, तो ऐसे में आप इकोनॉमी की करंट क्या समझेंगे, आपको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी हो रहा होगा हाल फिलहाल के परिदृश्य में नहीं समझ पाएंगे। यदि आप अंतरराष्ट्रीय संबंध के इतिहास को नहीं समझते हैं, तो वर्तमान सिनेरियो में क्या घटनाक्रम हो रहा नहीं समझ पाएंगे। आप ऊपरी सतही स्तर पर समझ सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी तरीके से समझ नहीं कर सकते। जैसे वर्तमान में चीन की साम्राज्यवादी नीति आप देख रहे हैं, दक्षिण चीन सागर में पैर पसार रहा है, या फिर वन रोड वन बेल्ट की जो पॉलिसी, आर्थिक तरीके से वो अपने आप को विश्व के कई देशों के साथ जोड़ रहा है। यदि आपको इतिहास नहीं पता ना चीन का, तो आप नहीं कर पाएंगे इस चीज को, आपको सिल्क रोड से लेके अब तक के चीन को समझना पड़ेगा। तो हमें पहले इस पक्ष को मजबूत करना चाहिए, शुरुआत तो यहीं पे फोकस होना चाहिए। लेकिन बच्चा उपापोह क्या करता है, शुरुआत जब आप करोगे, पांच पांच मैगजीन पढ़ोगे, मैं कुरुक्षेत्र भी पढ़ूंगा, मैं योजना भी पढ़ूंगा, मैं विज्ञान प्रगति भी पढ़ूंगा, मैं ये भी पढ़ूंगा, ये 15-50 मैगजीन रख लेते हो, न्यूज़पेपर पे बच्चा 5-5 घंटे खराब करता है। मैं सच बताऊं, शुरुआत में 5-5 घंटे हिंदी मीडियम में खासकर परेशान हो जाते हैं, न्यूज़पेपर ही नहीं खत्म हो रहा, पूरा दिन लग गया न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक कोई हिंदी का न्यूज़पेपर उठाया, रोमांचक खबरें मिली, और ऐसे में पूरा दिन खराब करते। तो इसमें मेरे ख्याल से टाइम किलिंग है, इसको अभी ज़्यादा फोकस मत करिए। अभी है कि एक कोई सोर्स ले लीजिए, आप राज्यसभा टीवी ले सकते हैं, एफएम गोल्ड, जो मैं बोलता हूँ कि 15 मिनट का न्यूज बुलेटिन आता है, शुरुआत में आपको ये लेना चाहिए, और आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपना स्टैटिक सेक्शन को मजबूत करने का। एक बार फाउंडेशन मजबूत हो गया, एक बार इसका सिनोप्सिस बन गया, फिर भविष्य में आपको करंट ही तो अपडेट करना है, जब करंट की बारी आएगी तब आपका एग्जाम नजदीक आएगा। लेकिन आप करते क्या हैं, इस उपापो में ना तो ये मजबूत हो पाता, और ये चूंकि ये आपका बेस है, जब तक आपका बेस नहीं बनेगा तो कैसे आपकी इमारत बनेगी, ये बताइए। आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो आप कितनी ऊंची बिल्डिंग बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। तो पहले हमें अपना बेस बनाना है, अपना आधार बनाना है, और अपना आपका आधार क्या है,
आपको अपने आधार पे काम करना है, सैद्धांतिक पक्ष स्टैटिक सेक्शन आपको बहुत शानदार होना चाहिए। भारतीय राज्य व्यवस्था का कोई भी करंट का विषय वस्तु चल रहा होगा, जब तक आपको उसके आर्टिकल अनुच्छेद, जो शासन व्यवस्था है, जो हमारे देश का शासन तंत्र को लेकर प्रणालियां हैं, जो अवधारणाएं हैं, यदि वो नहीं समझेंगे तो क्या समझ पाएंगे, मुझे बताइए। इसलिए पहले आपको अपने बेस में काम करना है, करंट इसके बाद काम करना है, बस करंट में इतना रखना है कि हाल फिलहाल में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, इतनी समझ होनी चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप बस धुन रमा के इसी में बैठे हैं, आप बस इसको एक ओवरव्यू, इसका पुनरावलोकन करते जाइए, बाद में एक साथ बैठिएगा, डेढ़ साल का करंट कर लीजिएगा, लेकिन इसमें एक अच्छी कमांड रखिए स्टैटिक सेक्शन में। जो फ्रेशर है मैं उनके लिए सलाह दे रहा हूँ, जितने बच्चे हैं और जो गलती कर रहे हो कि आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, भाई आपने हुआ क्या, यूपीएससी का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद टॉपर देखा, पेपर देखा है, मान लीजिए प्रीलिम्स हुआ, अभी आपको देना भी नहीं है, देखा करंट से बड़ा पूछ रहा है, पागल हो गए, आपने फाउंडेशन में काम ही नहीं किया, आप करंट के लेकर के पागल हो गए, अब करंट को लेकर पागल हो गए, फाउंडेशन इग्नोर हो गया, ऐसी स्थिति में जब एग्जाम के नज़दीक पहुंचे ना फाउंडेशन अच्छा है, और चूंकि फाउंडेशन नहीं अच्छा तो करंट भी नहीं अच्छा होगा, आपका करंट भी अच्छा नहीं होगा, रटो के ही तो जाओगे, और 60% जब रोल करंट का है, 40% इसका जो रोल है करंट का, 60% फाउंडेशन का रोल है, 40% करंट का रोल है, और ये जो 40% आ रहा है ये भी इससे इंटरलिंक है ना, या फिर ये भी इससे इंटरलिंक है, कोई भी फाउंडेशन की विषय वस्तु या जो आपका थ्योरेटिकल सेक्शन है वर्तमान में यदि प्रासंगिकता रखेगा तो क्या होगा, वो जिंदा हो जाएगा और पूछ लिया जाएगा, और जो यूपीएससी के पूछने की प्रवृत्ति है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ रहा है, दो कथन में डाल देगा फाउंडेशन, दो कथन डाल देगा करंट की विषय वस्तु, तो दोनों का मिक्सअप है, आप ये नहीं कह सकते कि ये करंट है ये फाउंडेशन है, तो आपको पहले काम, शुरुआती काम अपने सैद्धांतिक पक्षों को भी को मजबूत करने में करनी है, शुरुआती सैद्धांतिक पक्ष आपके गड़बड़ी नहीं होने चाहिए 1% भी, यदि आप इस पे काम नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप सिर्फ हवा हवा ही रह जाएंगे। अभी शुरुआत जब भी करें अपनी राज्य व्यवस्था, अपनी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण की विषय वस्तु, आपदा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत का इतिहास, भारत का जो जो भी है उसका पूरा एक डिटेल अध्ययन करिए, कुछ मत छोड़ के चलिए, फिर करंट आपका हो जाएगा। करंट के चक्कर में चलेंगे, फाउंडेशन कभी नहीं करेंगे, एग्जाम के नजदीक जाएंगे आप या तो मेंस में रुकेंगे, क्योंकि मेंस में भी 60% से ज्यादा आपका फाउंडेशन ही पूछा जाता है, करंट से उसको इंटरलिंक किया गया है, ये ध्यान रखिए और कुछ नहीं है, तो इंटरलिंकिंग तभी कर पाएंगे ना जब आप इस चीज को समझ पाएंगे। तो पहले फाउंडेशन में काम करना है, बिना न्यू बनाए आप बड़ी इमारत नहीं बना सकते, ढह जाएगी आपकी इमारत, फिर आपको पता चलेगा अच्छा मैंने फाउंडेशन में तो काम ही नहीं किया। मैं 90% बच्चों की बात कर रहा हूं, जब एग्जाम हॉल पे जाते हैं तो सिलेबस कंप्लीट करके नहीं जाते, वो पढ़ते भी हैं तो ऊपरी ऊपरी स्तर पे पढ़ते हैं, रिसर्च करके नहीं पढ़ते हैं। मैं आप सभी को बस इतना सलाह देना चाहता हूं कि पहले अपने फाउंडेशन पे काम करना है हमें बहुत अच्छे से, हर विषय को डिटेल में, फिर करंट पढ़ लीजिए, 2-3-4 महीना पढ़ेंगे तो पिछले 1.5-2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ ले जाएंगे, लेकिन करंट के इतने दीवाने हो जाएंगे तो आप इसको बर्बाद कर देंगे। मैं जरूर कह रहा हूं कि यूपीएससी का पैटर्न करंट ही है, यदि आप करंट को समझ में नहीं रखेंगे आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह बात भी उतनी सत्य है कि यदि आपका फाउंडेशन गड़बड़ हुआ तो आप यूपीएससी में सफल नहीं हो पाएंगे। बच्चों फाउंडेशन बहुत जरूरी है। अभी मैंने आपको जितने भी प्रश्न दिखाए पर्यावरण के विषय वस्तु के, आप देख रहे होंगे सबके साथ फाउंडेशन जुड़ा हुआ है। यदि आप अवधारणाओं की अच्छी समझ नहीं रखेंगे तो क्या लिख के आएंगे, नहीं लिख पाएंगे और कभी करंट को समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा बस इतना आग्रह है, यदि ये समझ पाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, दोनों को लेके चलना है। और अभी यदि आप ये गलती कर रहे हो कि आप न्यूज़पेपर में 5-5 घंटे समय दे रहे हो, आप योजना पढ़ रहे हो, कुरुक्षेत्र रखी की रखी रह जाएंगी, कोई काम नहीं आएगा आपका। पहले अपना फाउंडेशन तैयार करिए, इसके बाद 6 महीने बैठिए, 6 महीने में करंट का काम करिए, ठीक है, फिर एग्जाम दीजिए। 1.5 साल लगेगा, 1.5 साल में आपका पूरा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा और 6 महीने में आपका करंट तैयार हो जाएगा, आराम से फिर एग्जाम हॉल पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर आपको सिर्फ करंट अपडेट करते करते इसका रिवीजन करना है, इसको आपको अपडेट करना है, बस इतना आग्रह मेरा स्वीकार कर लीजिए। मैं सच बता रहा हूँ काम हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, और ये आप अपने अनुभव, अपने आसपास के अनुभव से देख लीजिएगा। 90% लोग करंट करंट करंट, अरे भाई फाउंडेशन कहाँ है आपका, फाउंडेशन कहाँ है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आज का करंट कल का करंट नहीं है, कल फिर नया पढ़ना पड़ेगा,
तो ऐसे में आप हमेशा करंट करंट के चक्कर में अपना फाउंडेशन वीक कर बैठोगे और कुछ नहीं कर बैठोगे। तो यदि पहले फाउंडेशन तैयार करना है, एक एक पहलू को समझना, और ये नहीं सेलेक्टेड नहीं पढ़ के जाना, सेलेक्टेड कब होंगे, जब मेरा फाउंडेशन पूरा पढ़ा हुआ है, करंट में जो टॉपिक फाउंडेशन से जुड़ रहे हैं उनको फिर प्राथमिकता देनी है, वो स्ट्रेटजी क्रिएट करनी, वो है स्मार्ट स्टडी। कि अच्छा मैंने फाउंडेशन पूरा पढ़ लिया, अब करंट में ये टॉपिक ज़्यादा प्रासंगिक है, इनको मैं प्राथमिकता देता हूँ, शायद इनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे, और पूछे जाते हैं। ऐसे यूपीएससी के गेम खेलता है। अब जैसे कि इस समय वर्तमान में COVID-19 है, यानी कि जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है उससे प्रश्न आएंगे, पूछे भी जा रहे हैं, इंटरव्यू तक में पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या हो गया, जो आपका साइंस टेक वाला सेक्शन है उसमें बायोटेक्नोलॉजी उसको समझना है, खासकर वायरस वाले पूरे सिनेरियो को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। समझ रहे हैं, मानव शरीर का जो इम्यून सिस्टम है बड़ा चर्चा में है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, कोविड आपको इफेक्ट नहीं करेगा, ये आपसे एक प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन पहले आपको थ्योरी तो पता हो, बिना थ्योरी के नहीं काम कर पाएंगे बच्चों। आपको पूरा का पूरा आपका बायोटेक्नोलॉजी के ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, वैक्सीनेशन, वैक्सीन का निर्माण, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हेल्थ सेक्टर, इस समय स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत प्रभावी तौर पे, इनसे प्रश्न पूछे जाने हैं। समझ रहे हैं, अब चाइना बाइकॉट आप पढ़ रहे हैं कि चाइना बाइकॉट भारत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन आपको पहले समझ तो हो कि भारत चाइना के संबंध क्या रहे हैं, एक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर के वर्तमान तक आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप देखेंगे कि इसके दूरगामी प्रभाव क्या है, वर्तमान इसको क्यों हम ज़्यादा महत्व तो दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत आपको समझना है तो एक बार भारत के प्राचीन से लेकर अब तक की अर्थव्यवस्था की एक सामान्य समझ आपको रखनी चाहिए, फिर आप आत्मनिर्भर भारत भी समझ लेंगे। हम पहले आत्मनिर्भर ही थे, पहले भारत के गाँव आत्मनिर्भर हुआ करते थे, सिर्फ कोयला, सिर्फ लोहा और नमक, दो चीज़ों के लिए गाँव से बाहर व्यक्ति को जाना होता था पहले की अर्थव्यवस्था। तो अंग्रेजों के दौरान पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई है ना, हमें पूरी तरीके से इन्होंने डिपेंडेंट बना दिया। तो चीज़ों को समझिए, यदि आप चीज़ों को समझेंगे तो काम बेहतर हो जाएगा बच्चों। बस मैं इतना आग्रह करना चाहता हूँ, आप खामखा करंट के चक्कर में अपना फाउंडेशन ना खराब कर डालना, फाउंडेशन सही कर लो, करंट हो जाएगा। इतनी सी आग्रह है, इतनी गलती नहीं करोगे तो देख लेना, समय रहते सब कुछ सही हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो फिर विषय वस्तु में मैं वापस आता हूँ, प्रारंभ करता हूँ।